शोएब जमाई कह रहा है कि स्टेट को मदरसा ही तोड़ एजुकेशन तो, रिलीजियस एजुकेशन को फंड करना चाहिए, ये कह रहे हैं वो। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी, उसके बाद मुफ्ती शमून कासमी। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड्स है आपके पास। आर्टिकल 29 जवाब ले लीजिए। अरे तो क्यों नहीं चैलेंज किया था, आर्टिकल गिनवा रहे हैं ना मुझे शोएब जमाई, आर्टिकल गिनवा रहे हैं ना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का। गए क्यों नहीं कोर्ट, कोर्ट क्यों नहीं गए आप, चैलेंज किया आपने, क्यों नहीं रुकवा दिया ये मत, ये सर्वे रुकवा देना चाहिए था सर्वे। एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्टॉप्ड, इट कैन नॉट बी अलाउड। क्यों नहीं रुकवाया आपने, बस यहाँ पे किताब दिखाने आए हैं और अपने हिसाब से चीजों को बताने आए हैं, बताइए गए थे आप कोर्ट? मेरे सवाल का जवाब दीजिए 20 सेकंड्स है आपके पास। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आपने जी? मैं चाहता हूं कि अदिति जी संविधान की कसम खाती हैं, वो भी संविधान को ध्यान में रखते हुए इस पे आवाज उठाना। मैं तो गरीब आदमी हूं, अदिति जी संविधान की कसम खाती हैं, गरीब और कमजोर हैं। संविधान की कसम खाती हैं, संविधान को कमजोर आदमी हैं आप लोग। संविधान को टोटालिटी में बात करती हैं, बड़ा चैनल है इसी संविधान में लिखी है यूसीसी, इसी संविधान में लिखी है यूसीसी हो जाए लागू, आपका बड़ा चैनल है नहीं तब लागू नहीं होनी चाहिए, वो इसी संविधान में यूसीसी भी लिखी है। आर्टिकल 44 चाहिए, आर्टिकल 44 चाहिए, कहती है नहीं आर्टिकल 44 बिल्कुल, अरे बिल्कुल 44 चाहिए। और सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 44 भी होगी, आर्टिकल 61 भी होगी। अभी सुनिए दूसरी बात, आर्टिकल 61 भी होगी। संविधान की कसम खाती है और राइट टू एजुकेशन के तहत है ना, आपको बताना चाहती है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है, किसका काम है संविधान और उसके ऊपर आधारित कानूनों की हिफाजत करना, किसका काम है, अदिति त्यागी का या शोएब जमाई का? मेरे राइट्स का वायलेशन हो तो मैं कहां जाऊंगी, टीवी डिबेट में आकर सिर्फ कंप्लेन करूंगी या जाकर अदालत का दरवाजा खटखटा दूंगी? मदरसों के मामले में आपका कौन सा राइट का वायलेशन हो रहा है? अरे आप तो यही तो बात है ना, मदरसों के राइट का वायलेशन हो रहा है आपकी किताब में, तो जाएंगे ना अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ना, यही हमारी किताब में नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना हमारी ही किताब में नहीं हो रहा, यही गलतफहमी है, सिर्फ इतना ही संविधान की किताब में हो रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप संविधान की किताब में हो रहा है, टोटलिटी में बात कीजिएगा और फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की भी बात करूंगी और तब आप गिर जाएंगे जैसे भी आप गिर गए शोएब जमाई, कोई बात नहीं। मुफ्ती शमून कासमी आपको भी डर लग रहा है क्या मदरसों के सर्वे से? कोई बात नहीं, शोएब जमाई हो गया भाषण, तर्कों पर ना वाद विवाद और एनिमेशन एनिमेटेड होकर अपनी बात रखने में गुस्सा नहीं होता, ये आप लोगों की बहुत ही ऐसे लगता है बहुत ही संकुचित सोच है। अगर असर्शन के साथ कोई बात करे, अगर कोई एनिमेशन एनिमेटेड होकर बात करे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है एनिमेटेड होना। क्यों बुरा लगता है भाई, क्यों बुरा लगता है? आप भी एनिमेटेड होकर बात कीजिए, किसने रोका आपको? अभी आप चिल्ला रहे थे मुफ्ती शमून कासमी। हाँ देखिए अदिति जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मदरसों का सर्वे और मदरसों का रजिस्ट्रेशन और संविधान, क्या संविधान ने कहीं हमें लॉ एंड ऑर्डर के मानने से कहीं इनकार किया है? मैं इस समझ से मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दानिश्वर लोग किस तरफ मदरसों की तर्जमानी कर रहे हैं। मदरसे अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उनका एक मकसद है कि दुनिया के अंदर अमन और भाईचारा हो, वहाँ एक ऐसी शफाफ और ट्रांसपेरेंस एजुकेशन दी जाती है जो बताती है कि सारी दुनिया एक परिवार है, अल खल्कु अयालुल्लाह वसुधैव कुटुंबकम। अब अगर उन्हें इन दीनी तालीम के साथ, मजहबी शिक्षा के साथ अगर आधुनिककरण हो जाए, उन्हें सामाजिक ज्ञान भी मिल जाए, तो इसमें नुकसान क्या है? और अगर वो इन लीगल तरीके से चल रहे हैं, वो लीगल हो जाए, तो इसमें भी मुसलमानों को कोई परेशानी और कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जवाब लीजिए। सवाल इस चीज का है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर जो है सर्वे से ना हमें डरना चाहिए, बल्कि हमें तो अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए कि हम दुनिया में अमन अमान के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे की खिदमत के लिए आए हैं और ये एजुकेशन, ये तालीम हमें हजरत मोहम्मद साहब ने दी है। ठीक है, अब जल्दी से हाजिक खान, घर घर में मदरसा? देखिए मैडम, बात यह है कि इस्लाम की सबसे पहली शिक्षा कुरान है और कुरान जो है बच्चों को हमारे यहाँ इसलिए सिखाया जाता है जिससे नमाज, रोज़ा, ज़कात, एक मुसलमान पर इतना दीन का सीखना फ़र्ज़ है कि उसे हराम हलाल की तमीज़ हो जाए, हराम हलाल की तमीज़ यानी एक आलिम की हैसियत से हो जाए। मदारिस जो है वो वहाँ सिखाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का जीवन कैसे गुजारना है। कुरान सीने में जो हाफिज होता है वो ये बाइत किताब है दुनिया की जो अपने सीने में। अरे आपको डर लग रहा है इस सीने में? मुझे मदरसों को लेकर कोई सवाल मेरे जहन में नहीं है और दर्शकों के जहन में भी नहीं है।
जी बोलिए क्या चाहिए। सब मदरसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आपको भी डर लग रहा है। मदरसों के बारे में एक जो आपने अपनी उसमें लाइन में चलाया कि यहाँ आतंकवाद सिखाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है, यहाँ दुनिया की चीज सिखाई। आपने कहाँ देख लिया कि यहाँ पर आतंकी तालीम दी जाती है? ये लाइन आपने कहाँ ऐसे देखी? लोगों के साथ भला ये सिखाया जाता है? नहीं नहीं, आपने कहाँ से देख लिया? कहीं क्वेश्चन मार्क तो ना लगा था? दूसरी बात ये ठीक लाइन पढ़ी है ना आपने कि हमारे मुसलमानों में 4% बच्चे एजुकेटेड है, जिसमें से 2.5% मदारिस से हैं और 1.5% स्कूलों से। 96% हमारे मुसलमान घर घर में मदरसे को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप वही पुरानी डिबेट में जा रहे हैं है कि नहीं? अरे सरकार पुरानी डिबेट में क्यों जा रहे हैं, आज की डिबेट पर बात कीजिए। संजीव उनियाल से जवाब ले लीजिए। संजीव उनियाल, स्कूल खोले उनके लिए? मैं काफी देर से सुन रहा हूँ अदिति, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि मदरसे जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, उसमें तरह तरह की सर्वांगीण विकास का ऐसा एक वातावरण तैयार हो, कुरान उसका एक पार्ट हो सकता है, परंतु और भी उसमें और चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज का पार्ट हो सकती हैं, आपकी सर्वांगीण विकास हो, इसलिए जो स्कूल्स होते हैं इसलिए एफिलिएटेड होते हैं CBSE वगैरह के साथ। पर आप उसको मिला रहे कि हम घर घर में मदरसे खोल देंगे, कुरान पढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा, एक सर्वेक्षण की सर्वे की बात हो रही है सिर्फ। और जहां सर तन से जुदा हो जाता है वहां कोई डर सकता है क्या? एक सज्जन कह रहे थे कि किसी के बाप का राज है, सबके बाप का है। अरे भैया, जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं कम से कम ये देश उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, मुगलों को बाप मानने वालों को। अगर वो शोर मचाते हैं, अगर कहते हैं कि मुगल हमारे बाप है, तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हाँ सबने किया है पार्टिसिपेट, आपके पिताश्री ने भी किया, हमारे पिताश्री, हम सबके दादाश्री ने भी किया है, तो ये पार्टिसिपेट जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया है उन सबके बापों की, उन सबके बच्चों की जमीन है। अगर कोई मुगलों की और बाबर की अपनी को मानता है कि हम उसकी लेने से आ रहे हैं, तो नहीं होगा। बात मैं कहता हूँ कि अगर सर्वे हो रहा है, अगर सर्वेक्षण हो रहा है, अगर किनारे कोई लाल किले पे भाषण हो जाएगा जनवरी 15 शोर मचाई शोर, तो मुगलों की बिल्डिंग तोड़ोगे? पहले से आपने मान लिया का कोई गलत है, हैदराबाद हाउस में आक्रमण है कहीं ना कहीं। किस तरह की बहस कर रहे हैं? कॉमेडी यहाँ पे अर्शद अभी, ये जो कॉमेंट है, जमीरुल्ला कह रहे हैं घर घर में मदरसा, पहले तो पार्टी का स्टैंड क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं अदिति, सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को एक बार जी न्यूज की तरफ से और पूरे देश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। और जहां तक ये मदरसों के सर्वे का सवाल है, देखिये दो चीजें इसमें जो सामने आती है सोचने वाली बात है कि आरएसएस और मुस्लिम कुछ संगठन, आरएसएस जो है वो सरस्वती सीतू मंदिर चलाता है, विद्या भारती स्कूल चलाता है, और कुछ जो मुस्लिम रजिस्टर्ड संगठन हमारे देश में है वो मदरसे चलाते हैं, इसमें सरकार से एड नहीं ले दी जाती है। अब जहां तक इनके सर्वे का सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री एक तरफ बात करते हैं कि हर मुसलमान के बच्चे के हाथ में कुरान और कंप्यूटर हो, तो अगर मदरसों के सर्वे का सवाल जो सरकार ने उठाया है, तो उन्हें एक बार जो आरएसएस के द्वारा संचालित स्कूल हैं उनको भी सर्वे की बात करनी चाहिए थी, उनको भी आदेश देने चाहिए। राकेश त्रिपाठी, अभी सुन लीजिए एक मिनट आप। दूसरी बात, अभी राकेश त्रिपाठी जवाब आपका। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। अरशद आबिद साहब, ये जानकारी रख ले, दुरुस्त कर ले कि कोई भी संस्था विद्यालय चलाए वो किसी न किसी एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगी, वो यूपी बोर्ड हो, CBSE हो, या ICSE बोर्ड हो, और हर बोर्ड अपने नियमों का पालन कराने के लिए वो तमाम सारी उनकी जांच भी करता है और समय समय पर उसके बारे में और जांचें कराता रहता है। ये मदरसा शिक्षा बोर्ड का निर्णय है, मदरसा शिक्षा बोर्ड में बैठने वाले सभी सदस्य मुस्लिम ही हैं, और इफ्तिकार अहमद जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी कमेटी के साथ इस बात का निर्णय किया कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मदरसा शिक्षा बोर्ड को यह पूरी तरह से अख्तियार है कि वो अपने मदरसों का सर्वे कराए जिनको उन्होंने मान्यता देने का काम किया है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके भी सर्वे होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि मदरसों की आड़ में कहीं किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां तो नहीं चला रहे, कहीं किसी प्रकार के अवैध भवन पर कब्जा तो नहीं है, ये सारी बातें जरूर तय होंगी। लेकिन एक बात महसूस कर रहा हूँ, जो नहीं जमीन वापस आपको मंच दूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं उनका कॉमेंट ले लीजिए, उसके बाद में वापस आपको मंच दूंगी।